तो फ्रेंड्स, आज छोटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इमरान अब्बास ने इन पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब दिया है। कहा है कि जिन लोगों का ख्याल था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब वो दूसरे डायरेक्टर्स को कॉल करके उनसे भी पूछ रहे हैं कि आया मैं सच बोल रहा हूँ अपनी झूठ। फ्रेंड्स, हमारे इमरान अब्बास ने मजीद क्या कहा, ऐसा कहने के पीछे असल वजह क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताएं कि चंद रोज़ पहले इंडिया के एक मशहूर डायरेक्टर है जिन्होंने इंडिया की मशहूर फिल्में डायरेक्ट की हैं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया था कि वो फिल्म में मायरा खान, फवाद खान और इमरान अब्बास को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की मुखालफत की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके हैं। बात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके जवाब में इमरान अब्बास का कहना था कि अब तो उन लोगों को यकीन आ गया होगा जिनका कहना था कि मैं झूठ बोलता हूँ और टेंशन लेने के लिए ऐसा कहता हूँ कि मुझे इंडियन फिल्म्स ऑफर हुई हैं। इमरान अब्बास ने बताया कि उन्हें पीके समेत बहुत सी दूसरी मशहूर फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने वो फिल्में टकरा दी थी। इसके अलावा बुशरा अंसारी भी मैदान में आ गई और उन्होंने बात करते हुए बताया कि उन्होंने ही इमरान अब्बास को मना किया था कि वो आज की 2 फिल्म ना करें, क्योंकि उस वक्त उन्हें इंतजार था कि वो एक मजीद बड़ी फिल्म इंडिया से उन्हें ऑफर होगी और वो वाली फिल्म करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल की वजह से उन्हें वो फिल्म नहीं मिल सकी थी और वो फिल्म नहीं कर सके। फ्रेंड्स, इमरान अब्बास ने मजीद पाया कि उन्हें डायरेक्टर उनसे मिलने खुद उनके होटल आए थे और उन्हें कहा था कि वो आज की 2 फिल्म करें और पीके में भी सरफराज का किरदार निभाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसके पीछे बहुत ही वजूहत थी और उनमें एक वजह पाकिस्तान और इंडिया के हालात, कशीदा हालात थे। फ्रेंड्स, आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद बहुत से दूसरे आर्टिस्ट भी इमरान अब्बास के हक में बोल पड़े हैं। उनका कहना है कि आप किसी को जवाब दे नहीं है, जैसा आपका दिल करता है आप ऐसे ही करें। फ्रेंड्स, इमरान अब्बास ने अपने पतनगीद करने वालों से कहा कि आपको अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और अगर अभी भी नहीं आया तो बाकी फिल्मों के डायरेक्टर्स को कॉल करके उनसे भी पूछ लें कि आया मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ। फ्रेंड्स, आपके बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।